नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज हम ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे, साथ में हम कुछ स्टॉक पे भी बात करने वाले हैं जहां पे चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आज जो है यानी कुछ बुलिश स्टॉक है और कुछ बेरिश स्टॉक, दोनों ही स्टॉक है जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग है, और उस पे थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे कि कैसे। हाँ, अब आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी ट्यूसडे को 38 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 27 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। तो दोस्तों मॉर्निंग में अगर आप आपको याद होगा जब हमने हम और एपी से यूट्यूब लाइव भी किए थे, और जहां पे निफ्टी था उस समय ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के करीब 125 पॉइंट पॉजिटिव था, और वहां से फॉल हुआ। यानी आज का जो मोमेंट अगर हम बात करें, जो डाउन साइड ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट का, यानी उस दिन का मोमेंट था। तो क्या ये ट्रेंड यहां से रिवर्स हुआ है उसको हम देखेंगे, और ईओडी चार्ट, उसके लिए सबसे पहले हम ईओडी चार्ट ओपन करते हैं, और निफ्टी 50 का हम ईओडी चार्ट ओपन करते हैं। बॉक्स साइज जो लेते हैं 0.10% ये इंट्राडे का था। अभी अगर हम देखें तो कल यानी जो मंडे को जहां पे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक रेजिस्टेंस लिया है, इसको ब्रेक नहीं किया है, तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, यानी 22,700 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक फर्दर अपसाइड मूवमेंट थोड़ा सा हो सकता है कि पॉज ले। अगर उसके ऊपर अगर ब्रेक करता है और सस्टेन होना शुरू हुआ, यानी क्लोज हुआ और उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो पॉसिबिलिटी है 23,132 और 23,300 जा सकता है। तो करेंट चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है, और यहां पे सेटअप न्यूट्रल हो जाएगा अगर प्राइस 22,400 के नीचे अगर क्लोज होता है। तो अब अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं, और निफ्टी बैंक का चार्ट सेटअप क्या है ईओडी बेसिस पे, वो एक बार हम देख लेते हैं। यस, यहां पे अभी भी सेटअप बुलिश जरूर है। 49,880 इमीडिएट जो काउंट है, इमीडिएट ये दिख रहा है, जो पैटर्न न्यूट्रल हो जाएगा अगर प्राइस 48,190 के नीचे अगर क्लोज होता है, तो आपका पैटर्न न्यूट्रल हो जाएगा। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है ऑन ईओडी बेसिस। अब दोस्तों एक जो चार्ट जो है हम ओपन करेंगे निफ्टी 50 का ही फ्यूचर चार्ट एक बार ओपन करते हैं, और यस एक इंटरेस्टिंग आपको चीज दिखाते हैं 0.05%, और इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम आप कर दो। यहां पे अगर आप सब कुछ हम रिमूव करते हैं तो एक चीज इंटरेस्टिंग आप देखो, इसको बोलते हैं पैटर्न रीटेस्ट, जो कि आप अगर आप ड्रॉ टूल्स, सो ये एक पैटर्न रीटेस्ट जो कि आपको दिख रहा है सेम एरिया में, प्राइस यहां एक पॉज दिया, अपसाइड दिया, फिर से ये पॉज दिया और एक अपसाइड दिया। सेम अगर हम अपसाइड के लिए देखें तो प्राइस आज इस एरिया को फिर से सम्मान दिया, जिसको हम बोल सकते हो जहां पे प्राइस पॉज लिया है। तो क्या ये मूवमेंट, यानी अगर हम देखें तो एक अप मूव, डाउन मूव, अगेन अप मूव, क्या ये डाउन मूव स्टार्ट हुआ है? पैटर्न रीटेस्ट जरूर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहां पे ट्रिपल टॉप का फेलियर भी हुआ है, उसके बाद ट्रिपल बॉटम सेल भी है, बट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म चार्ट पे यस पैटर्न रीटेस्ट हुआ है। अब अगर यहां ये जो एंकर यानी ये जो कॉलम दिख रहा है, अगर ये थोड़ा कॉलम कंटिन्यू होके नेक्स्ट डबल बॉटम सेल अगर आता है आपको थर्सडे को, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे और ये डाउनसाइड हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी। सेकेंड, अगर प्राइस इसको रिजेक्ट करता है, यानी प्रीवियस जो टॉप है, सो प्रीवियस टॉप यानी 22,900 के 822 इसके ऊपर, यानी ट्यूसडे के हाई के ऊपर अगर जाता है और सस्टेन होता है, तो पॉसिबिलिटी है
कि ये एक रिजेक्शन है इसको सम्मान नहीं किया, बट अभी फिलहाल देख के तो ये क्लियर दिख रहा है कि यहां एक सपोर्ट, फिर से ये रेजिस्टेंस, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू है ये वक्त बताएगा, लेकिन आपको थर्सडे को जरूर देखना है। अगर फॉलो थ्रू अगर मिलता है बेरिश फॉलो थ्रू तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी के साइड जरूर देखना चाहिए बिकॉज प्राइस रिएक्ट कर रहा है। अगर यहां से रिजेक्ट कर देता है और उसके ऊपर जाता है तो एक फेलियर ऑफ बेरिश पैटर्न भी होगा, और साथ में जब फेलियर ऑफ बेरिश पैटर्न प्लस मल्टीपल जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी होगा तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा खासा अपसाइड। तो आप थर्सडे को देखिए और अकॉर्डिंगली आप यानी ट्रेड प्लान आप इनिशिएट कर सकते हैं। अब फटाफट लेवल की बात करते हैं कि अगर थर्सडे को लेवल देखना है तो 22,900 के ऊपर फ्यूचर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी जो कि 22,971 और उसके ऊपर तक जा सकता है, और 22,600 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। क्यों? बिकॉज प्रीवियस टू एंकर यानी इस एंकर के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक आपको फ्रेश बेरिश तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये इंट्राडे लेवल की बात हम बता रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 49,300 के नीचे अगर सस्टेन होना शुरू हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। हाँ, ये चीज जरूर है कि बैंक निफ्टी यानी फिन सर्विस और बैंक निफ्टी ये दोनों मिला के निफ्टी को जरूर ड्रैग कर रहा है। हाँ, बिकॉज निफ्टी में हेवी वेट अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो फाइनेंशियल सर्विसेज का जरूर है, फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें बैंक भी है, तो ये सब इसलिए अगर बैंक निफ्टी जिधर जाएगा पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी भी उस साइड जाए। फिन निफ्टी का चार्ट ट्यूसडे को एक क्लियर कॉलम ऑफ यानी बेरिश एंकर कॉलम फॉर्मेशन हुआ है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट फॉलो थ्रू आता है तो वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन फिन निफ्टी का जो लेवल है 22,000 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 21,700 के नीचे सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स की बात करते हैं, 75,100 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी जो कि 75,400 तक, और 74,200 के नीचे सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था 71,800 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट नहीं देखना चाहिए। यहां पे यस कॉलम कंसोलिडेशन चला है और क्लियर इंडिकेशन है निफ्टी ऊपर जा रहा है, यहां पे कॉलम कंसोलिडेशन मतलब क्या है कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, और जब भी अगर गोल्ड अंडर परफॉर्म करता है तो क्या होता है इक्विटी के लिए एक गुड साइन रहता है, बट फिलहाल उस पे हम आएंगे। लेकिन 71,800 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। 70,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी जो काउंट है जो कि 70,100 तक ये जा सकता है। अब सिल्वर की बात करते हैं, और सिल्वर में यस ट्रेंड जरूर थोड़ा बेरिश जरूर हुआ है, 80,500 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 79,500 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्राडे लेवल की बात। अब ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी भी सेम ऑल एसेट क्लास क्लियर इंडिकेशन जरूर दे रहा है कि अभी भी निफ्टी में निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर गोल्ड और अंडर परफॉर्मेंस अगर यहां से स्टार्ट होता है डी स्मार्ट लाइन के नीचे जाता है तो क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि पॉसिबिलिटी जो ये एक सेल ऑफ आया है वो एक टेम्पररी सेल ऑफ है, परमानेंट नहीं है, पॉसिबिलिटी फिर से ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। तो इस पे आप नजर रखिए और हम डेली डिस्कस करते हैं, बट फिलहाल सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ऐसा है कि निफ्टी अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। अगर हो सकता है कि एक प्राइस टाइम करेक्शन हो और फिर से ये ट्रेंड रिज्यूम कर जाए। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या इंडिकेशन है वो एक बार हम देखते हैं निफ्टी का। अभी भी यस 23,000 और 22,800 यहाँ पे कॉल हुआ है सबसे ज्यादा है, और 22,500 22,500 अभी भी सपोर्ट है। 22,500 के नीचे जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक फर्दर सेलिंग तो नहीं दिखेगा, अगर उसको नीचे ब्रेक करता है तो 500 पॉइंट का और आपको
फॉल दिख सकता है। तो ये रहा है आपका निफ्टी का ओवरव्यू, निफ्टी बैंक निफ्टी और इंडेक्स का ओवरव्यू कि क्या करना चाहिए। अब दोस्तों अब आते हैं ब्रेथ, एक बार देख लेते हैं कि क्या ब्रेथ का जो पार्टिसिपेशन है उसमें कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं, या कल जो ब्रेथ नीचे गया था तो फिर से आज नीचे गया। अगर आज नीचे गया मतलब कुछ तो गड़बड़ है, अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो फिर ब्रेथ को नीचे नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट वो लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए या उसके ऊपर जाना चाहिए। तो प्रीवियस अगर हम देखें 60, 58 और 60, तो ब्रेथ का पार्टिसिपेशन आज हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि अभी भी बहुत डरने की कुछ बात नहीं है, बहुत ज्यादा मत डरो। हो सकता है कि एक फेलियर वहां पे दिखे और कॉलम कंसोलिडेशन करके ट्रेंड रिज्यूम हो जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। जब तक यहाँ बेरिश क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं जहां पे हम कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो एक जो स्टॉक है मुझे पीआई इंडस्ट्री, अगर आप चार्ट देखो पीआई इंडस्ट्री का तो ये क्लियर पैटर्न रिटेस्ट है, जो कि आप अगर हम ड्रॉ कर देते हैं रेक्टेंगल, प्राइस प्रीवियस एरिया में रेजिस्टेंस लिया है, पॉज लिया है, उसके बाद यहां पे 100% पोल और उसका फॉलो थ्रू भी मिला है। सो पैटर्न फेलियर लेवल मुझे जो दिख रहा है 3778 पैटर्न फेलियर लेवल, डाउनसाइड काउंट जो दिख रहा है 3445। सो इस पे आप नजर रख सकते हो, पॉसिबिलिटी है एक इसमें डाउनसाइड मोमेंटम आपको दिखे। तो पीआई इंडस्ट्री पे नजर रखिए, 1% का चार्ट भले ही यस बुलिश है लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ये एक अगर पैटर्न रीटेस्ट किया है तो पॉसिबिलिटी है यहाँ 3445 जो हमने बोला उस पे आ सकता है। अनदर स्टॉक जो कि बी सॉफ्ट क्लियर एक, अगर आप देखो यहां अप्रैल 2023 से लेकर और ऑलमोस्ट फेब्रुअरी 2024 ऑलमोस्ट वन ईयर क्लियर अप ट्रेंड में था। सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम फॉर्मेशन, हमेशा बुलिश एंकर कॉलम मतलब लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स मतलब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। अब क्या हो रहा है, फेब्रुअरी से लेकर अभी तक क्या हो रहा है, डोमिनेंस ऑफ ओ मतलब बेयर का डोमिनेंस हो गया, बुल्स का यहां पे था एक साल अब बेयर का हो गया। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अगर ये डबल बॉटम यानी 650 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक फिर से आपको डाउनसाइड मिले, पैटर्न फेलियर लेवल 675, तो इस पे भी आप नजर रखिए। अनदर एक बाइंग स्टॉक जो अपोलो टायर, ये स्टॉक एक बुलिश अप मूव, उसके बाद प्राइस एक करेक्शन लिया। एक बार अगर हम एंकर पॉइंट यहां से हम ड्रॉ करके देखते हैं कि किस एरिया में, यस सेम एंकर पॉइंट के पास ही जाके सपोर्ट दिया है। पॉसिबिलिटी जो है एक ये एरिया तक आने का इसको पॉसिबिलिटी यानी 525 एक दिख रहा है पॉसिबिलिटी, 491 पैटर्न फेलियर लेवल है और अपसाइड अगर हम काउंट भी प्लॉट करें तो यहाँ पे बुलिश एबीसी 525 545 बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है इस कॉलम पे और पॉसिबिलिटी है ये आपको जा सकता है 491 आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। तो ये इस स्टॉक पे नजर रखिए जहां पे एंकर पॉइंट पे भी सपोर्ट लिया है, तो ये स्टॉक। अनदर एक और स्टॉक जो कि मुझे अच्छा दिख रहा है वो है उषा मार्टिन। अब उषा मार्टिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, ये अगर आप 0.25% का अगर आप चार्ट देखो, ये क्लियर कंसोलिडेशन जोन हुआ है यानी अगर सितंबर से लेकर अभी तक ये कंसोलिडेट हो रहा है, पॉसिबिलिटी एक मूव इसमें मिल सकता है जो कि 400 और 440 तक पॉसिबिलिटी है। अपसाइड के लिए अगर हम देखें तो इवन 50 तक भी पॉसिबल है। 3% का चार्ट देखो वहां पे और इंटरेस्टिंग आपको दिखेगा, अगर प्राइस 380 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक नया ट्रेंड रिज्यूम
यस ये काउंट आप इग्नोर करना, बट 700 ये लॉन्ग टर्म के लिए 1% में थोड़ा हो सकता है करेक्शन, तो इस पे आप ये स्टॉक पे नजर रखिए। ओवरऑल ट्रेंड मुझे अच्छा दिख रहा है बिकॉज एक अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन और ऑलमोस्ट यानी सितंबर 2023 से लेकर अभी तक ये कंसोलिडेट हो रहा है। सो पॉसिबिलिटी अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है तो ये एक रेंज ब्रेकआउट भी होगा जिसको हम बोल सकते हो कि ये आपको यस ये रेंज जो है डाउनसाइड और एक अपसाइड का ये क्लियर ट्रेंड था, अप डाउन फिर से अप फिर से डाउन और अप ब्रेकआउट, तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो इस पे आप नजर रखिए। पैटर्न फेलियर है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो 350 बिलो 350 ये पैटर्न फेलियर लग रहा है। तो ये दो तीन जो स्टॉक हमने डिस्कस किया इस पे आप नजर रखिए, और जो चार्ट रीडिंग नजर रखने का मतलब चार्ट रीडिंग पे भी आप ध्यान दीजिए, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बुल या बेयर, इवन पैटर्न रीटेस्ट पे आप ध्यान कैसे दे सकते हो, तो ये सब हमेशा डिस्कस करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद आता है तो प्लीज प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।